Welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss few questions from gate exam 17 and 20, which are based on type of boranes. First of all, we will explain type of boranes. First question is based on what rule the structure type of B5H8 1 is option D. clozo nido arachno, and hypo. And second question I have a gate. 2000, में अमंग द फॉलोइंग बी ट्वेल्व एच ट्वेल्व माइनस टू बी फाइव एच इलेवन बी सिक्स एच टेन ऑस्मियम सिक्स ट्वेंटी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मीन इन दीज स्पेज के अंदर जो भी नीडो स्ट्रक्चर है उनकी नंबर कितने हैं वो अपने को बताना है फर्स्ट टाइप टाइपोबोरेंस में क्लोजोबोरेंस नीडोबोरेंस अरेक्नोबोरेंस, हाइपोबोरेंस क्लेडोबोरेंस इस तरीके के टाइप होते हैं इनके क्लोजोबोरेन को लिख सकते हैं बी एन एच एन माइनस टू नीडो को बी एन एच एन माइनस फोर अरेक्नो को बी एन एच एन माइनस सिक्स हाइफो को बी एन एच एन माइनस एट क्लेडो को बी एन एच एन माइनस टेन एग्जाम्पल देखिए बी फाइव एच एट माइनस वन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले जितने बोरोन है उससे एक्स्ट्रा जो भी हाइड्रोजन्स है उनको रिमूव करेंगे एच प्लस के रूप में तो बी फाइव एच एट है माइनस वन है तो बी फाइव में से एच एट माइनस वन में से थ्री एच प्लस माइनस रिमूव कर देंगे तो माइनस जितने एच प्लस रिमूव होंगे उतने ही इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा बी फाइव एच फाइव माइनस वन पहले से था थ्री एच रिमूव हुए हैं तो थ्री माइनस थ्री चार्ज इसके ऊपर आ गया टोटल चार्ज कितना हो गया माइनस फोर ये किसके जैसा है बी एन एच एन माइनस फोर के जैसा है इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी नीडो टाइप की स्ट्रक्चर होगी नीडो टाइप का बोरेन सेकेंड एग्जाम्पल बी ट्वेल्व एच ट्वेल्व माइनस टू है बी एन एच एन माइनस टू के जैसा है तो सीधा सीधा ये क्या है क्लोजर स्ट्रक्चर होगी बी फाइव एच इलेवन एग्जाम्पल दिया हुआ है वही जितने बोरों से उतने हाइड्रोजन होनी चाहिए तो जितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से उनको रिमूव करेंगे H प्लस के रूप में तो सिक्स हाइड्रोजन क्या होंगे माइनस सिक्स हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे H प्लस के रूप में रिमूव होंगे जितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे उतने ही इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा तो बी एन एच एन माइनस सिक्स के जैसा है और ये किसकी स्ट्रक्चर होती है अर्थनो बोरेन की स्ट्रक्चर होती है नेक्स्ट एग्जाम्पल बी सिक्स एच टीन एग्जाम्पल ये दिया हुआ है तो इसमें से जितने बोरोन है उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए तो एक्स्ट्रा बोरोन कितने हैं फोर हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कितने हैं सॉरी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कितने हैं फोर हैं तो माइनस फोर एच प्लस तो बी सिक्स एच सिक्स माइनस फोर हो जाएगा जितने हाइड्रोजन रिमूव उतने ही माइनस का चार्ज आ जाएगा तो ये किसके जैसा है बी एन एच एन माइनस फोर और ये किसकी स्ट्रक्चर होती है नीडो बोरेन की स्ट्रक्चर एंड सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस भी टाइप ताइ, टाइप ऑफ बोरेन्स के अंदर पूछे जाते हैं फोर्टीन एन प्लस टू होगा तो क्लोजोबोरेन होगा फोर्टीन एन प्लस फोर होगा तो नीडोबोरेन होगा फोर्टीन एन प्लस सिक्स होगा तो एरेक्नोबोरेन फोर्टीन एन प्लस एट हाइपोबोरेन होगा फोर्टीन एन प्लस टेन क्लेडोबोरेन होगा यहाँ पे एन क्या है एन इक्वल्स टू है नंबर ऑफ सेंट्रल सेंट्रल मेटल एटम ओके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन और टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम इन टू एन एन क्या है कितने सेंट्रल मेटल आइटम है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ऑल लिगेंड्स लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय एनस एन कैप्सुलेटेड स्पेसीज ये होता है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने का फॉर्मूला इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि मेटल मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं करने हैं काउंट नहीं करने हैं एग्जाम्पल ओस्मियम सिक्स सीओ की ट्वेंटी है तो इसके लिए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऑस्मियम के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एट और एन क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम का नंबर तो कितने हैं ओस्मियम सिक्स है तो एट इंटू सिक्स प्लस कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है दो तो टू इंटू ट्वेंटी इक्वल्स टू क्या आ गया एटी एट तो फॉर्मूला क्या है फोर्टीन एन प्लस फोर्टीन एन प्लस टू हो सकता है फोर्टीन एन प्लस फोर हो सकता है फोर्टी नाइन प्लस सिक्स हो सकता है फोर्टी नाइन प्लस एट हो सकता है फोर्टी नाइन प्लस टेन हो सकता है तो फोर्टीन इंटू एन प्लस जितना भी होगा वो हो जाएगा यहाँ पे आगे देखिए फोर्टीन इंटू एन एन की जगह क्या लिखेंगे जितने ऑस्मियम है वो लिख देंगे 14 6 में तो लिख देंगे बच्चे भी जो भी है एट्टी एट में से कितने एट्टी फोर हो जाएंगे तो एट्टी फोर में से एटी फोर बचेंगे सिर्फ फोर में तो ये क्या हो जाएगा फोर्टीन एन प्लस फोर और फोर्टीन एन प्लस फोर का मीन्स क्या होता है नीडो टाइप का बोरेन होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल इरेडियम फोर सीओ की ट्वेल्व तो वही सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एडियम के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइन और टोटल मेटल कितनी है फोर तो नाइन इंटू फोर प्लस कार्बोनिल कितने ट्वेल्व है कितना इलेक्ट्रॉन देता है टू इलेक्ट्रॉन देता है तो टोटल कितने आ गए सिक्सटी ओके आगे देखिए फोर्टीन इंटू एन प्लस जितने भी माइनस करके बचेंगे वो लिखने हैं तो फोर्टीन इंटू एन मतलब तो टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम तो फोर्टीन इंटू फोर कितने हो गए फिफ्टी सिक्स सिक्सटी में से फिफ्टी सिक्स तो कितने बचे फोर मीन्स फोर्टीन एन प्लस फोर कौन सा बो, बोरेन होगा नीडो टाइप का बोरेन होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑस्मियम फाइव सी सी ओ की फिफ्टीन यहाँ पे कार्बन क्या है इस एग्जाम्पल में एनकेप्सुलेटेड स्पीसीज डी है तो ऑस्मियम एट इंटू फाइव एनकेप्सुलेटेड कार्बन है इसलिए इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फोर प्लस फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी टू सॉरी फिफ्टीन इंटू टू इक्वल्स टू क्या हो गया थर्टी तो टोटल कितना हो गया सेवेंटी फोर तो फोर्टीन इंटू एन एन कितना है फाइव तो टोटल कितना हो जाएगा फोर्टीन एन प्लस फोर यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर ओके सेवेंटी फोर टोटल हो जाएगा तो ये कितना है नीडो ये कौन सा बोरेन हो गया अपना नीडो बोरेन OK guys like, share and subscribe. Thank you. Bye.